वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। और जो जो ये वीडियो देख रहा है सबको नमस्ते। और देखिए, मैं अपने दादी के घर में हूँ, छत के ऊपर चढ़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको आसपास का व्यू दिखाऊं। देखिए, छत के ऊपर से आसपास का व्यूज़ ऐसा दिखता है। और मैं यहीं पे पली बड़ी हुई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं अपने दादी के घर जाती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड सब से भी मिलती हूँ और आसपास के जो मेरे जान पहचान के चाची लोग हैं उन सब से भी मिलती हूँ। तो मेरे दादी के घर में एक बेर का पेड़ है तो उसका कुछ हिस्सा छत के ऊपर है, तो बहुत ही ज़्यादा बेर फला हुआ था तो मैं सोची कि मैं डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के खाऊँगी। और किस किस को अच्छा लगता है कि पेड़ से बेर तोड़ के खाना, सभी को अच्छा लगता होगा। तो देखिए, मैं कैसे पेड़ से डायरेक्ट पेड़ तोड़ रही हूँ और खा रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत मज़ा आता है, बचपन का सारा बात याद आता है। और बहुत ही ज़्यादा मीठा था बेर और मीठा बेर हुआ था वहाँ पे। इतना सारा पका हुआ बेर है, इतना है। देखो, एक में खा रही मामा, आप क्यों नहीं आ रहे हो? खा रहे हैं, बहुत मीठा है, पूरा मीठा है और बहुत टेस्टी है। मीठा मीठा है। देखो गाइस, कितना सारा है। ये देखो, एक पका हुआ ना बेर गिरा हुआ, देखो पूरा पका पका हरा बेर, कितना सारा बेर नीचे में कितनी गिरे छे ना। तो गाइस देखिए, हमने कितना सारा बेर उठा लिया। तो फ्रेंड, मैं ये बेर इतना सारा लेके आई थी इसलिए कि मैं इसका अचार बनाऊंगी बोल के। और जब मैं इसका अचार बनाऊंगी तो इसका भी मैं आपको दिखाऊंगी प्रोसेस कि बेर का अचार कैसा बनता है। देखिए, ये मेरे चाचा के बेटे लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, तो ये लोग बर्गर खा रहे थे तो मैंने सोचा कि इसमें एक कंपटीशन करा दूँ तो ताकि उनको भी मज़ा आ जाए बोल के। तो ये कंपटीशन चल रहा है कि कौन जीतेगा। सच में फ्रेंड, इतना मज़ा आ रहा था। एक तो वो लोग खा भी रहे थे और इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा बाइट ले रहे थे कि वो लोग अच्छे से चबा के खा नहीं पा रहे थे। तो मैं इनको बोल रही थी कि आराम से खाओ बोल के, क्योंकि ये लोग जीतने का मैंने चक्कर में थे कि मैं पहले जीतूँगा बोल के। तो देखिए कैसे ये लोग मज़ा कर रहे हैं। अच्छा लगता है फ्रेंड, बहुत दिन के बाद हम भाई बहन मिलते हैं तो इस टाइप का एक मज़ा करना, बैठना, बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में आपको बोला था कि लाइफ बहुत छोटी है, किसकी लाइफ कितना है किसी को नहीं पता, इसलिए हमें हर पल अपने लाइफ को एंजॉय करके जीना है। हमें खुद से तय करना है कि हमें अपना आगे का लाइफ, आगे का जो हमारा टाइम है, किस तरीके से इंजॉयमेंट करके जीना है। देखिए, भगवान जन्म देता है पर कर्म हम अपने तरीके से करना है, ताकि वो जो हम काम करते हैं वो हम किस तरीके से करें, है ना। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने हर पल को इंजॉय करूँ और मैं किसी को अगर खुशी दे पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील करती हूँ। ये मेरी दादी है, मैंने पहले इससे पहले वाला वीडियो में मैं अपने दादी को आपको दिखाई थी। तो देखिए, मैं मेरे दादी के घर में 3 दिन रुकी थी तो मैं निकल ही रही थी, तो मैंने सोचा मेरे दादी को आपसे कुछ बात कराऊं।
पर मेरी दादी को खांसी बहुत ज़्यादा होता है, उनको पेन होता है, तो इसलिए मेरी दादी बात नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उनको ज़्यादा बोला नहीं, मत बात करो बोला। और देखिए वो भी थोड़ी सी इमोशनल थी, मैं भी इमोशनल थी, निकल रही थी मैं। मेरी दादी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई थी जब मैं निकल रही थी, पर मैं दादी को बोल रही थी कि दादी अगर मैं चली भी जाऊँगी तो मैं कॉल करते रहूँगी। मैं अपने दादी को हर दिन कॉल करती हूँ, दिन में एक दो बार मेरे दादी से बात करती हूँ। अगर मेरे दादी से एक दिन ना कॉल करूँ तो मेरी दादी भी टेंशन हो जाती है और वो भी बहुत परेशान हो जाती है, तो उसको भी अच्छा लगता है मैं उनसे बात करती हूँ। तन्वी भी मेरे दादी के पास आई और वो प्रणाम कर रही थी दादी को, तो दादी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और बहुत खुश होती है मेरी दादी कि हाँ मेरी बेटी को उन्होंने देखा, तो वो तन्वी को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। नमः सबलाई देखाउनु बेटा, मेरो आशीर्वाद तँलाई सब दिन लागोस्, सब दिन सुख शान्ति पा, आमा बाबुलाई प्यारो गर्नु, पाल्नु तै होस् छोरो छोरी जे भने तै होस्, आमा बाबुलाई केही नभन्नु, सुख दिनु, मान्नु, गुन्नु। बाय बाय। छोटी बेटी के साथ जा रही है अपना ससुराल, विदाई कर दे रहा है, पूरा विदाई हो रहा है। तो फ्रेंड फाइनली हम स्टेशन आ चुके हैं और ये जो दोनों बच्चे हैं मेरे जेठ जेठानी के बच्चे हैं। मेरी जेठानी हम लोग को छोड़ने आए थे स्टेशन और हमारे साथ हमारी ननंद भी थी। हमारे ननंद हम लोग से मिलने के लिए आए थे। मैं अपने दादी के घर पे थोड़ा दादी के साथ टाइम स्पेंड करूँगी बोल के मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, तो उनके साथ वीडियो नहीं बना पाई थी, पर मेरी ननंद हमारे साथ ही घर आ रहे थे। जब भी तन्वी जाती है तो अपनी दीदी और भाई के साथ बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करती है, उनको मिस भी करती है फ्रेंड। तो देखिए हम स्टेशन में हैं और मेरे चाचा के बेटे लोग छोड़ने आए थे। तो देखिए अच्छा लगता है जब जाती हूँ, तो बस आते समय थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। देखिए ये मेरी जेठानी है, मैंने आपको बोला था कि मेरी जेठानी भी हम लोग को स्टेशन छोड़ने आई है बोल के। तो फ्रेंड फाइनली हम ट्रेन में चढ़ गए हैं और ये मेरी ननंद और उनके बेटे हैं जो कि वह हमारे साथ मेरे ससुराल ही आ रहे थे। फ्रेंड अच्छा तो नहीं लग रहा था अपनी दादी को छोड़ के आई थी, पर आना तो पड़ेगा। बट फाइनली मैं अपना ससुराल पहुंच गई हूं और ये शाम का वीडियो है। तन्वी देखिए अपना बुआ का गाउन पहन के कैसे इन्जॉय कर रही है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो फ्रेंड मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और जो जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। जय माता रानी, जय हिंद।